श्राद्ध के महीने में दान पुण्य क्या फल देते हैं हमें और श्राद्ध को मनाने का क्या रहस्य है? आप लोग जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है? दानवीर कर्ण जानते ही होंगे आप लोग, महाभारत का एक निर्णायक योद्धा दानवीर कर्ण, जो दान देने के कारण दानवीर कर्ण बना। जब दानवीर कर्ण की मृत्यु होती है, जब यमराज के पास पहुंचता है, तब सब लोगों को अनेकों प्रकार के भोजन दिए जाते हैं, परंतु दानवीर कर्ण को जो उसने संपूर्ण जीवन दान दिया था वह उसकी थाली में परोस दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि सबको भोजन दिया गया, परंतु दानवीर कर्ण के आगे जो थाली परोसी गई उसमें हीरे मोती जवेरात सब कुछ था, परंतु अन्न न था। कर्ण बहुत परेशान हुआ और यमराज से पूछने लगा कि प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई जो ये सजा मुझको मिली? सबको तो भोजन दिया गया, परंतु मुझे हीरे जवाहरात दिए गए। तब यमराज कहते हैं, तुमने संपूर्ण जीवन जो दान दिया था वही तुम्हारे आगे है, परंतु तुमने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, इस वजह से तुम्हें यह खाना मिला। दानवीर कर्ण होने के बावजूद भी भगवान उसकी गलती भी नहीं क्षमा करते, परंतु दानवीर कर्ण की दया भावना की वजह से उसे दोबारा से कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा और कई जन्मों के बाद वह एक मनुष्य के रूप में दोबारा जन्म लेता है और अपने पितरों का श्राद्ध करता है, तब जाके उसे मुक्ति मिलती है। पितरों की अगर हम पे कृपा हो जाए तो इस संसार में नानक प्रकार के सुख भोगते हैं, परंतु पितर दोष लग जाए तो सुख की बात तो छोड़िए, संपूर्ण जीवन मनुष्य दुखी ही रहता है। आपने देखा भी होगा कि धन खूब कमाते हैं परंतु बचता नहीं, धन होने के बावजूद भी धन टिकता नहीं है। पितृ पक्ष में अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। जो जीवित हैं, मरे हुए हैं तो उनका श्राद्ध जरूर कीजिए, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। कथा इस प्रकार से है, एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उनके घर में एक लड़का और एक लड़की थे। लड़के लड़की का विवाह हुआ, दोनों के दो दो बच्चे थे। किसी कारणवश पुत्री उनकी विधवा हो जाती है, सास ससुर उसे घर से निकाल देते हैं, वह अपने पिताजी के घर में आके रहने लग जाती है। जब तक माता पिता जीवित थे तब तक तो वह घर खुशियों से भरा था। कुछ समय बाद उस लड़की के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय और बीतता है तो उनकी माताजी का भी स्वर्गवास हो जाता है। इधर ननद भाभी में बनती नहीं है, जब तक भैया घर में रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है। उसके पीछे से भाभी अपनी ननद के साथ दुर्व्यवहार करती थी, उनके बच्चों को ढंग से न खाना देती थी न पीना देती थी और ननद से घर का पूरा काम करवाती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया, वह उस हाल में भी खुश थे। श्राद्ध पक्ष का टाइम आया, लड़की के भैया कहने लगे कि मुझे श्राद्ध के लिए हरिद्वार जाना है। वह जमाना था कि हरिद्वार जाने के लिए भी बैलगाड़ी करनी पड़ती थी, एक महीना पहले निकलना पड़ता था। वह लड़का हरिद्वार के लिए निकला, 10-15 दिन तो भाभी ने कुछ इधर उधर करके गुजर बसर किया, लेकिन 15 दिन पश्चात उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर एक झोपड़ा था जिसमें उसकी ननद और उसके दो बच्चे रहते थे। भाभी रोज घर पे आती थी, घर का काम करती थी, तो जो बासी खाना हुआ करता था वह देती थी और खाते थे उनके बच्चे और सोते थे। अब 15 दिन बीत गए, श्राद्ध पक्ष का महीना आया। श्राद्ध पक्ष के महीने में पिताजी का श्राद्ध पड़ा तो भाभी कहने लगी कि कल पिताजी का श्राद्ध है, अगर यह पीपल का वृक्ष अपनी इस जगह से हिल के बाहर आ जाए तो पिताजी के श्राद्ध में आना, अन्यथा मत आना। कभी ऐसा हुआ है कि वृक्ष भी अपनी जगह से हिल के अंदर से बाहर आया हुआ हो, जिसको बुलाना ही ना हो? ऐसी शर्त रखती। ननद ननद के बच्चे अपने घर में अपनी झोपड़े में आराम कर रहे थे। संध्या के समय पितरों का शब्द श्राद्ध किया तो जो बासी खाना था उसके ऊपर थोड़े से चावल और सब्जी लगा कर दे दी। इधर ननद गुस्सा हुई कि एक तो बुलाया नहीं, ऊपर से आज बासी खाना। वह खाना भी उठाकर ऊपर फेंक दिया जहाँ पर वह रहते थे, झोपड़े पर। और ऐसे ही 15 दिन बीत गए। रोज कौवे आते थे और जो ननद वो भोजन फेंका करती थी अपने छप्पड़ पर, वह कौवे भोजन किया करते थे और उसकी वजह से उनके माता पिता
अति प्रसन्न हुए। वहाँ पर एक साहूकार गुजर रहा था, झोपड़ी में देखता है कि एक सुंदर सी विधवा है और उसके दो बच्चे पड़े हुए हैं, और वह साहूकार उससे विवाह का प्रस्ताव रखता है और उसे अपने घर ले जाता है। और इस प्रकार से जाने अनजाने उस विधवा औरत ने जो पुण्य किए थे उसको अच्छे घर में विवाह हो जाता है, उसको अच्छा घर मिलता है, उसके बच्चों का भविष्य बन जाता है। जो लोग भी जाने अनजाने पाप करते हैं उनको पाप भुगतना पड़ता है, जिस प्रकार से भाभी को भी भुगतना पड़ा। आने वाले समय में उस राज्य में जब सूखा पड़ा तो उनकी फसल सारी खराब हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी।